यस पीपल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पे कि जो सर अभी नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने अभी इशू किया है अपनी वेबसाइट्स पे, जो 4 मई से 6 मई तक के बीच में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या हम उसके अंदर अपना सेकंड ग्रुप को एडिट कर सकते हैं क्या? अगर हमने सेकंड ग्रुप अप्लाई नहीं किया था तो क्या हम सेकंड ग्रुप के लिए भी क्या उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो आपके फर्स्ट पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करा था, उसके बाद आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि कोई एडिट का ऑप्शन आ रहा है क्या। अगर एडिट का ऑप्शन आ रहा है देन यू कैन अप्लाई फॉर द सेकंड ग्रुप आल्सो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ ये हो रहे हैं कि क्या सर ये जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म है क्या हमें दोबारा से फाइल करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जामिनेशन आपको दोबारा फाइल नहीं करना है। बट येस ऑफ कोर्स, अगर लेट फीस, अगर आप ये 4 से 6 मई के बीच में नहीं फाइल करते हैं तो 6 मई के बाद आपको लेट फीस लगेगी 600 रुपीज़ की, ये भी चीज़ आपको मैंने बता दी। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स ये भी आ रही है कि सर कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर क्या वापस से दोबारा करेक्शंस विंडो ओपन होगी क्या? तो जहाँ तक मुझे मालूम है मैं आपको बता सकता हूँ कि हो सकता है कि शायद 14 या 15 मई के बाद, आई थिंक हो सकता है कि 14 या 15 मई के बाद ICAI आपको करेक्शंस विंडो वापस से ओपन करे, राइट है, रीओपन करे। सो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि आपको नया एप्लीकेशन से दोबारा से हमारी फ़ीस क्या ख़राब हो गई है, आंसर इज़ नो। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आपका डल चुका है, आपको कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको सेकंड ग्रुप के लिए जाना है तो सेकंड ग्रुप के लिए आप फाइल कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा एडिट ऑप्शन आ रहा है या नहीं, अदरवाइज आपका फर्स्ट फ्रेश एप्लीकेशन अगर डालेंगे तो आपको नया फीस लगेगा। आपको अगर फ्रेश एप्लीकेशन डालेंगे तो आपका नया फीस लगेगा, यानी कि आपकी जो पहली एप्लीकेशन की फ़ीस है वो आपकी बेकार हो जाएगी। सो ये थी एक छोटी इंपॉर्टेंट अनाउंस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देनी थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो होप इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम्स रिजोल्व होगी होगी। और अगर प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और लाइक का टारगेट रखता हूँ एटलीस्ट 500 लाइक्स। तो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।